हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और साथ में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले ली है कुछ अंकुरित दालें, जिसके बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च और जीरा। इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर फ्रेश पुदीना, ये आप इसमें ज़रूर डालें, इससे रेसिपी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हमें इसका बना लेना है एक पाइन पेस्ट, बिल्कुल कुछ इस तरह से, और इसे डालेंगे हम यहाँ पर मिक्सिंग बोल में। और साथ में मैं डालूँगी इसमें 2 बड़े चम्मच बाजरे का आटा। अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा या बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न डालेंगे, और साथ में मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिया, नमक डालेंगे, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में डालेंगे हम गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर ही डालें। बैटर को हमें यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए पानी एक साथ पूरा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालें। और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे पैन, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी ऑयल 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। बैटर ले लिया मैंने, इस तरह से उसे फैला लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल पतला सा हमें एक चीला बना लेना है इसका। अगर आपके पास अप्पम पैन है तो आप इसके छोटे छोटे अप्पे भी बना सकते हैं, या फिर आप इसके पैनकेक भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो इसका बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। एक तरफ अच्छे से सिकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे दूसरी साइड। जब भी आपका कुछ हेल्दी या टेस्टी खाने का मन करे ना, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई तो बनता है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।